ओके सो हाय गाइस, तो श्री जी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज संडे है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए यहाँ पर ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताई जाए, कुछ नई चीज़ों से अवेयर किया जाए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एंड हो सके तो इस वीडियो का लिंक जो है वो क्राफ्टन यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के टीम तक भी दोस्तों हो सके तो पहुँचा देना। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का 1.6 का अपडेट आ चुका है, एंड भाई काफ़ी सारे नए चेंजेस बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर करे गए, कुछ नए नए फीचर्स ऐड करे गए। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ नए नए दोस्तों जो वो मोड्स भी लाए गए हैं, एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए। जैसे कि बहुत सारे लोग गेम को हैक करके खेलते हैं, तो वहाँ पर भाई काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करा गया है। तो दोस्तों क्या लगता है कि भाई जो बैटल ग्राउंड्स वर्ल्ड और क्राफ्टन जो अपने हैक जो भी लोग हैक करके गेम खेल रहे हैं, जो भी लोग हैकर है, जो भी हैकर के लिए यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर प्रिकॉशंस ले रहा है, क्या दोस्तों वो इनफ है? क्या दोस्तों यहाँ पर जो है वो यहाँ से ये सारी चीजें करने से जो है वो हैकर के ऊपर कोई भी फर्क पड़ रहा है? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। एंड सच में दोस्तों इसको देखकर लग रहा है कि भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक तरीके से पागल बना रहा है अपने यूजर्स को। सच बता रहा हूँ मैं, आप जो मैं आपको बताने वाला उसको आप तो ध्यान से समझना, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो मेरे को कॉमेंट करके बताना। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि टाइम टू टाइम बैटल ग्राउंड्स वर्ल्ड एक दो दिन में तीन दिन में ना अपना जो है वो मतलब निकालता है, नोटिस डालता है कि हमने इतने इतने अकाउंट्स को बैन कर दिया है, ये लोग चीट करके खेल रहे थे, ये लोग हैकर थे। एंड उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट दो दिन के बाद फिर वैसे ही उनका नेक्स्ट जो है वो स्लॉट आता है जिसमें वो लोग हैकर्स को बैन कर देते हैं। तो क्या दोस्तों, क्या है जो क्राफ्टन इतने सारे हैकर को बैन कर रहा है, तो इससे क्या सच में हैकर के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग हैकर को बैन कर रहे हैं भाई, फिर वो नई आईडी बना करके आ जा रहे हैं। अब देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं आपको यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जैसा कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, भाई लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के 1.6 का अपडेट आ गया, किस तरीके से हैक करना है, किस तरीके से ईएसपी हैक लगाना है, किस तरीके से एम बॉट लगाना है, किस तरीके से व्हाइट बॉडी लगाना है, नो ग्रास नो रिक्वायर, भाई कई सारी वीडियोस बना रहे हैं। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां पे भाई उन वीडियोस के ऊपर लाखों में व्यूज है। जी हां, लाखों में व्यूज है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज दो दो दिन के अंदर है, एक एक दिन के अंदर है। तो इसका सिंपली मतलब आप समझ रहे हो कि भाई यहां पर जो जेन्युइन प्लेयर्स से ज्यादा तो यहां पर हैकर्स ही है गेम में। मतलब जो अगर जी मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं ना, आप देखना इस पे ज्यादा व्यूज नहीं आएगा। अगर यहां पर मैं टाइटल में डाल देता ना बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया 1.6 अपडेट हाउ टू हैक बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, तो इसमें भी लाखों में व्यूज पहुंच जाते। लेकिन अगर मैं आपको पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा तो लोग नहीं देखते हैं, सही चीजों को नहीं देखना पसंद करते, ये दुनिया का रिवाज है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया तो हैकर्स को बैन कर ही रहा है, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे मेरे हिसाब से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप आज हैकर को बैन करोगे, उसके बाद भाई वो 10 आईडी बना के आ जाएंगे, नहीं आप नहीं रोक सकते हो। तो इसको रोकने का मेरे पास एक दोस्तों जो है वो आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से समझना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई ये हैकर आ कहां से रहे हैं, सब लोग तो हैकिंग करना जानते नहीं है, सब लोग तो हैक लगाना जानते नहीं है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर। ये जो कुछ चूतिए यूट्यूबर है जो यूट्यूब के ऊपर हैकिंग को प्रमोट कर रहे हैं एंड लाखों में व्यूज खींच रहे हैं भाई, और क्या करते हैं ये लोग, वीडियो बनाते हैं, व्यूज आ जाता है 1 लाख 2 लाख, उसके बाद वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं, अनलिस्टेड कर देते हैं, और उस वीडियो का रेवेन्यू आ जाने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। मैंने खुद हैकर्स जो भी हैकर हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उस लॉन्डे से मैंने बात किया, उनका कहना यही है कि भाई हम वीडियोस बना देते हैं, 1 लाख 2 लाख व्यूज आ जाता है, 2-3 दिन के बाद हम वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, रेवेन्यू तो अपने पास आ ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर भोले भाले जो भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर देते हैं हैकिंग को लेकर, एंड भाई वो जो है वो गेम के अंदर हैक करते हैं एंड अपनी आईडी को भी बैन करवा लेते हैं। एंड एक तरीके से दोस्तों ये जो आप लोग जानते हो कि जो गेमिंग इन्वायरमेंट है अपना, जी हाँ, हेल्दी जो सेफ गेमिंग इन्वायरमेंट है, इसको कहीं ना कहीं दोस्तों जो है वो इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है इन यूट्यूबर्स के द्वारा। तो यार मैं क्राफ्टन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप हैकर को बैन करने से पहले इन यूट्यूबर्स को बैन करो जो हैक को प्रमोट करते हैं, जो हैकिंग को प्रमोट करते हैं। अगर मैं सही नहीं बोल रहा तो भाई मेरे को चप्पल से मारो, सही बता रहा हूँ मैं आपको, दिल की बात बता रहा हूँ। जब दोस्तों इन हैक जो यूट्यूबर्स ये सब को प्रमोट कर रहे हैं, जब तक इसको बैन नहीं किया जाएगा, इन साले को चैनल्स को डिलीट नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये हैकर कम नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है भाई, मैं देखता रहता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनफैक्ट मेरे पास प्रमोशन आते हैं, भाई इसका प्रमोशन कर दो मेरे को, आपको 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, 50,000 देंगे, कर दो, लेकिन मेरे को करना ही नहीं है भाई ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग हैक प्रमोट करवाने के लिए आते हैं मेरे पास, लेकिन भाई मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ भाई, 50,000 तक देने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये इससे ना कुछ भी काम नहीं होने वाला है। आप स्लॉट लाते जाओगे यहाँ पर भाई, भर भर के हैकर्स आते रहेंगे, और आप लोगों का जो नया टूर्नामेंट आ रहा है ना, उसका भी धज्जिया उड़ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर
अंदर इस कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ये लोग बोल रहे ना कि ये निकाल दिया, सिक्योरिटी सिस्टम निकाल दिया, बैन पैन निकाल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग भी ये बात जानते हो। एंड जितने भी हैकर्स देख रहे हो, सही है लॉन्डो, करते रहो, अभी तुम लोगों का टाइम आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई अभी चल रही है मार्केट में, एंड क्राफ्टन को इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। हैकर को बैन तो कर ही रहे हैं भाई, इन यूट्यूबर्स को जो प्रमोट कर रहे हैं भाई, लाइव हैक को प्रमोट करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं हैक करके गेम को। आप देखोगे उनकी लाइव स्ट्रीम गेम पूरा हैक्ड रहता है, पूरा दोस्तों शैडो टाइप का आता है उसमें, प्लेयर लोग दिखता है। तो इससे क्या होता है भाई, इससे आप लोग जो है वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की माँ और बहन कर रहे हो, ठीक है ना, माँ बहन कर रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ें मत करो, जो भी लोग कर रहे हो भाई शर्म करो, ठीक है। आपकी वजह से भाई किसी का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, कोई मेहनत करके खेल रहा है, आप उसको गेम में जो है वो मार देते हो हैक करके, तो क्या आप खुद को तुम समझ रहे हो? जी हाँ, आप कुछ भी नहीं हो आने वाले टाइम में। आप अभी के लिए जो टाइमली आप ये सर्व अचीव कर रहे हो, ये सब लिमिटेड चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में आपका बैंड बजना ही बजना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि भाई जेन्युइन तरीके बताओ, जेन्युइन वीडियोस डालो, जिससे भाई लोगों को कुछ हेल्प हो, लोगों के जो लाइफ में है जो है वो कुछ यहाँ पे क्वालिटी ऐड कर पाओ आप लोग, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप शेयर कर देना, क्राफ्टन को टैग कर देना इंस्टाग्राम पे, जहां भी करना चाहते हो, ताकि उनको भी पता चले कि भाई उनको तो पता ही है लेकिन वो लोग कर ही नहीं रहे, क्या ही बोलूं मैं आपको। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर से कर देना, एंड चैनल पे अगर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलूंगा किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।